और मान जी का कॉल आया था मॉर्निंग में ना, पायल को कफ हो रही थी, तो 2-4 दिन से कफ हो रही थी, तो उसको 5 दिन का कोर्स चल रहा था नेबुलाइजेशन का। आज उसकी कफ से ना सुबह ब्लड आने लग गया। परेशान मत होना, ठीक है, अभी ठीक हो जाएगी, सब ओके होगा, हो जाता है कई बार, टेंशन मत लो, ठीक है, चलो। थोड़ी सी घबराई हुई है पायल। सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग रखने वाले अरमान मलिक की पहली पत्नी यानी कि पायल मलिक को एक बार फिर से हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। अपने लेटेस्ट व्लॉग में कृतिका मलिक ने इस बात का खुलासा किया है कि पायल की तबीयत लगातार खराब हो रही थी, खांसते वक्त उनके मुंह से खून आ रहा था, जिसके बाद पायल को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और उसके बाद उन्हें एडमिट कराया गया है। अरमान मलिक की पहली पत्नी पायल मलिक ने हाल ही में 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, जिसके बाद पायल मलिक लगातार अपने आप को काफी वीक फील कर रही थी। पायल मलिक व्लॉग्स में भी बहुत ज्यादा वीक नजर आ रही थी, बात करते वक्त उन्हें काफी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन सुबह अचानक से तबीयत खराब होने के बाद जब उनके मुंह से खून आना शुरू हुआ तो उसके बाद अरमान मलिक जल्दी में पायल को हॉस्पिटल लेके गए और हॉस्पिटल में एक बार फिर से पायल को एडमिट कर लिया गया है। पायल मलिक ने दूसरी बार बच्चों को जन्म दिया है, उनका पहला बेटा चीकू इस वक्त 8 साल का है और इसके बाद अब उन्होंने जब जुड़वा बच्चों को जन्म दिया तो ऐसे में सर्जरी के बाद से लगातार पायल की तबीयत खराब थी। अपने कई व्लॉग्स में पायल इस बात का खुलासा भी करती नजर आई थी कि उन्हें बीच बीच में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कुछ टाइम पहले भी अचानक से उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लगातार खांसी बनी हुई थी, लेकिन खांसी के बाद वो दवाइयां ले रही थी जो डॉक्टर ने उन्हें बताई थी, लेकिन खांसी के साथ अचानक से ब्लड आना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है, जिसके बाद अरमान ने बिल्कुल भी देर नहीं की और पायल को हॉस्पिटल लेकर गए। कृतिका मलिक ये बताती नजर आ रही है कि जिस तरीके से पायल परेशान थी उसके बाद लगातार उन्हें रात में भी काफी ज्यादा डर लग रहा था और वो काफी परेशान नजर आ रही थी। सुबह जब उनके मुंह से खून आया तो उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। सोशल मीडिया पर ये व्लॉग सामने आने के बाद तमाम फैंस पायल के जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। इस वक्त कृतिका के पास 3 बच्चे हैं, कृतिका घर पे रहकर ही 3 बच्चों को संभाल रही हैं। परिवार में इस वक्त हर कोई काफी परेशान है क्योंकि पायल इस वक्त हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल में अरमान मलिक के अलावा परिवार के कुछ दूसरे मेंबर्स भी मौजूद हैं। लगातार व्लॉग के जरिए कृतिका मलिक और अरमान मलिक पायल की हर छोटी बड़ी अपडेट फैंस के साथ शेयर कर रहे हैं। फैंस को जब पायल की तबीयत का पता लगा है तब से ही फैंस काफी परेशान हो गए हैं और इसके साथ ही कृतिका को भी काफी नसीहतें दी जा रही हैं कि पायल जब घर वापस आ जाए तो आपको किस तरीके से उनका ख्याल रखना है। नॉर्मली ऐसा देखने को मिलता ही है कि डिलीवरी के बाद स्पेशली जब आपकी सर्जरी हुई हो तो उसके बाद फीमेल्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। हालांकि कृतिका को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई लेकिन पायल की ये दूसरी बार सर्जरी है जिसकी वजह से उन्हें काफी कुछ झेलना पड़ रहा है। फिलहाल तो अरमान मलिक की फैमिली से अपडेट यही सामने आया है कि पायल मलिक की तबीयत खराब हो गई है जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। डिलीवरी के बाद जिस तरीके से पायल को लगातार ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, आपको इसके बारे में क्या कहना है? कि आप भी पायल को कोई एडवाइस देना चाहते हैं, कि आप भी उन्हें बताना चाहते हैं कि डिलीवरी के बाद वो अपना किस तरीके से ख्याल रखें? आपकी जो भी राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।